हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे अबाउट फीस स्ट्रक्चर, जो कि आरजीपीबी बीई बीटेक बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर बैकलॉग एग्जामिनेशन, साथ के साथ फोर्थ सेमेस्टर करंट सेमेस्टर एग्जामिनेशन फॉर्म की जो लाइन ओपन हुई है उसके बारे में है। तो दोस्तों, एग्जाम फीस रिगार्डिंग आपका जो भी डाउट है आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके एग्जामिनेशन फॉर्म की लाइन ओपन हो गई है, आपको सामने दिख रहा होगा बीई बीटेक बी फार्मेसी, पीसीआई बी फार्मेसी और बीई बीटेक थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं फोर्थ सेमेस्टर की, जो कि इवन सेमेस्टर है। तो दोस्तों, फोर्थ सेमेस्टर की जो आपके एग्ज़ाम फीस है वो 1850 ना लगकर आपकी 1300 रुपये लगेगी, जो कि दोस्तों पोर्टल चार्ज वगैरह सब कुछ 1300 रुपये में इंक्लूड है। ऐसा ही आपका 6th, 8th, 4th एंड 2nd का होने वाला है, क्योंकि इवन सेमेस्टर है। अगर ऑड सेमेस्टर होता तो फिर 1850 रुपये लगती। तो दोस्तों, फोर्थ सेमेस्टर वालों का डाउट क्लियर हुआ होगा कि आपकी एग्ज़ाम फीस कितनी लगेगी। बात करें अगर थर्ड सेमेस्टर, जो कि बैकलॉग एग्ज़ाम है, तो दोस्तों बैकलॉग एग्ज़ाम चाहे ऑड सेमेस्टर में हो या फिर इवन सेमेस्टर में हो, फीस एक ही लगती है, 300 रुपये पर सब्जेक्ट। अगर आपको एक सब्जेक्ट में बैकलॉग है तो उसका 350 रुपये लगेगा, पोर्टल चार्ज 50 रुपये लगता है। फिर चाहे कितने भी सब्जेक्ट में बैकलॉग क्यों ना हो, मतलब कि बैक सब्जेक्ट का पर सब्जेक्ट आपका फीस लगता है 300 रुपये, और जितने भी सब्जेक्ट में है आप 300 रुपये का मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस 50 रुपये, ऑल टोटल आपका पोर्टल चार्ज लगेगा। तो दोस्तों, 350 रुपये आपका बैक एग्जाम फीस है। तो दोस्तों, जितने भी सब्जेक्ट में है तो अपने हिसाब से इंक्लूड कर लीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका डाउट भी क्लियर हुआ होगा कि बैकलॉग की एग्ज़ाम फीस कितनी है। तो दोस्तों, आपके एग्जाम फॉर्म की लाइन ओपन हो गई है, 20 तारीख लास्ट डेट है, उसके पहले ही अपना एग्जाम फॉर्म फिल कर दीजिएगा, नहीं तो फिर लेट फीस लग जाएगी। अगर फोर्थ सेमेस्टर का फॉर्म अभी तक फॉरवर्ड नहीं हुआ है तो कॉलेज से फॉरवर्ड करवा लें, और जिसको थर्ड सेमेस्टर में बैकलॉग है उसका एग्जामिनेशन फॉर्म आरजीपीबी ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड कर देता है, तो वो तो फिल कर ही दीजिएगा एटलीस्ट। तो दोस्तों, आई थिंक वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो यार, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू ऑल।